नमस्कार दोस्तों, एबीबी टेक में आपका फिर से स्वागत है एक नई वीडियो में। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे आप अपने वॉलेट जो कि हेलो वीपीएन फास्ट सिक्योर फॉरेक्स ऐप है, उस ऐप को अपने वॉलेट में किस तरह से यूज कर सकते हो। और दोस्तों अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और साइड में बेल आइकन पर प्रेस करके ऑल पर सेट कर दीजिए ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले देखने को मिल जाएगी। तो दोस्तों क्या करना है, इस ऐप पर आपको इधर रिव्यू देख लेना है क्योंकि इसका रिव्यू काफ़ी अच्छा है, जो कि 4.4 है और उसकी डाउनलोडिंग है वो 50,000 प्लस देखने को मिल जाएगी क्योंकि इसकी डाउनलोडिंग काफ़ी अच्छी है। और इस ऐप को अपने मोबाइल में किस तरह से यूज कर सकते हो, तो दोस्तों उसी तरह से इस ऐप को यहाँ से हम ओपन करने लग जाएंगे। ओपन करने के बाद दोस्तों यहाँ से हमारे सामने कुछ इसी तरह से इसका जो भी इंटरफेस रहेगा वो ओपन होने लग जाएगा। तो दोस्तों देख सकते हो उसी तरह से इस ऐप को यहाँ से हम ओपन कर लेंगे। ओपन करने के बाद दोस्तों देख सकते हो इस ऐप का जो भी इंटरफेस रहेगा वो कुछ इधर से यहाँ से आपके सामने शो होगा। शो हो जाने के बाद दोस्तों यहाँ पर आपको थोड़ी देर वेट करनी है। वेट करने के बाद दोस्तों यहाँ से हमारा जो भी सर्वर कुछ इधर से यहाँ से आपके सामने देखने को मिल जाएगा। उसी तरह से आने के बाद दोस्तों इस वाला ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। इस वाला ऑप्शन पर आप जैसे ही क्लिक करोगे तो यहाँ से हमारे सामने कुछ इधर से ओके का ऑप्शन आएगा, तो ओके वाला ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। और ओके वाला ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद दोस्तों यहाँ से हमारा जो भी सर्वर रहेगा वो कुछ इधर से ऑप्शन आ रहा है, तो उसी तरह से दोस्तों यहाँ से हम बैक आएंगे। बैक आने के बाद दोस्तों यहाँ से आपका अपना जो भी यहाँ पर अपने जो भी सर्वर है वो कुछ इधर से यहाँ पर अपने इस वाला ऑप्शन पर क्लिक करोगे तो यहाँ से हमारे जो भी सामने ऑप्शन देंगे वो सर्वर का यहाँ पर लोडिंग का ऑप्शन देखने को मिल जाएंगे। उसी तरह से यहाँ से आपके सामने ऐड आएगी, तो ऐड को आपको साइड से क्लोज कर देना है। क्लोज करने के बाद दोस्तों देख सकते हो यहाँ से आपके जो भी इधर अपने जो भी ऑप्शन है वो यहाँ पर शो करेंगे और उसी तरह से यहाँ से मैं बैक आ जाऊँगा। बैक आने के बाद दोस्तों इस वाला ऑप्शन पर क्लिक करूँगा तो यहाँ पर आपकी इसकी जो भी रेटिंग है, प्राइवेसी पॉलिसी वगैरह इधर अपने पूरा देखने को मिल जाएगा। और उसी तरह से दोस्तों ऐप फॉरेक्स का भी जो भी फॉरेक्स ऐप का भी ऑप्शन देखने को मिल जाएगा। उसी तरह से इसे हम बैक आएंगे। बैक आने के बाद दोस्तों यहाँ से हमें क्या करना है, इस वाला ऑप्शन पर हम वापस क्लिक कर देंगे क्योंकि ऐसे हमारा जो भी सर्वर का प्रॉब्लम चल रहा है, तो उसी तरह से दोस्तों यहाँ से नीचे सर्वर का कोई भी ऑप्शन है तो इस वाला ऑप्शन पर हम यहाँ पर क्लिक कर रहे हैं तो यहाँ से हमारा जो भी सर्वर वगैरह नहीं हो रहा है तो इस वाला ऑप्शन पर हम क्लिक कर देंगे क्योंकि यहाँ से हमारा जो भी सर्वर है यहाँ पर हम दूसरा सर्वर सेलेक्ट कर लेंगे। उसी तरह से ऐड आएगी तो ऐड को हम साइड से क्लोज करके, क्लोज करने के बाद दोस्तों देख सकते हो यहाँ से हमारे सामने कुछ इस तरह से सर्वर देखने को मिल जाएंगे। उसी तरह से यहाँ से आपको जो भी हाई स्पीड लगे वो यहाँ पर सर्वर, यहाँ पर हम ये वाला सर्वर कनेक्ट कर ले जाएगा। उसी तरह से ये वाला सर्वर कनेक्ट करने के बाद दोस्तों यहाँ से हमारे जो भी सामने कुछ इधर से ऑप्शन आ रहा है और कुछ ही देर में यहाँ से हमारा जो भी सर्वर रहेगा यहाँ पर कनेक्ट हो जाएगा। कनेक्ट हो जाने के बाद दोस्तों देख सकते हो यहाँ से आपको थोड़ी देर वेट करनी है। वेट करने के बाद दोस्तों यहाँ से हमारा सर्वर है वो कनेक्ट हो चुका है। उसी तरह से कनेक्ट हो जाने के बाद दोस्तों यहाँ से आपके सामने कुछ इधर से ऐड आएगी तो ऐड को हम साइड से क्लोज कर देंगे। उसी तरह से ऐड आने के बाद दोस्तों ऐड को स्किप करने के बाद दोस्तों यहाँ से हम साइड से क्लोज कर देंगे। क्लोज करने के बाद दोस्तों देख सकते हो यहाँ से हमारा जो भी सर्वर है वो कनेक्ट हो चुका है और यहाँ पर अपना टाइमिंग भी रख सकते हो क्योंकि यहाँ से 15 मिनट और 45 मिनट का टाइमिंग है, यहाँ पर रख सकते हो। और दोस्तों उसी तरह से दोस्तों यहाँ से हम बैक आएंगे। बैक आने के बाद दोस्तों यहाँ से हमारे सामने इधर डाउनलोड और अपलोड की स्पीड देखने को मिल जाएगी क्योंकि यहाँ पर अपने चेक करनी है डाउनलोड अपलोड की स्पीड। इधर आपके सामने बहुत सारे इधर सर्वर रहेंगे ऊपर की साइड, तो वो भी देखने को मिल जाएंगे। और उसी तरह से दोस्तों इसे डिसकनेक्ट करना चाहते हो तो सिंपली इस वाला ऑप्शन पर क्लिक करके आसानी से डिसकनेक्ट कर सकते हो क्योंकि उसी तरह से ऐड आएगी तो ऐड को हम साइड से क्लोज कर देंगे। क्लोज करने के बाद दोस्तों यहाँ से हमारा जो भी सर्वर रहेगा वो कुछ इधर से डिसकनेक्ट हो जाएगा। और दोस्तों वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब जरूर करना।